अरविंद केजरीवाल अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, बस अनर्गल आरोप लगा देते हैं और फिर भाग खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बार अपनी इस आदत में बुरी तरह फंस गए हैं। एनडीएमसी के ऑफिसर एम के खान की हत्या के मामले में महेश गिरी पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे। आरोपों से बौखलाए महेश गिरी ने पहले तो खुली बहस के लिए अरविंद केजरीवाल को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बुलाया, लेकिन केजरीवाल चुनौती से भागते खड़े हुए और बहस के लिए नहीं आए। मैं कानूनी सलाह भी ले रहा हूँ, मैं अदालत में भी जाऊंगा, पर उसके पहले मैं जनता की अदालत की कसौटी पे खड़ा उतरना चाहता हूँ। और इसलिए मैंने तय किया कि जनता की अदालत केजरीवाल साहब बुलाते थे, आज वही जनता की अदालत बुलाने का फैसला किया। 19 तारीख शाम को 4 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की यह जगह तय की, सब व्यवस्था आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और मैंने खुला पत्र दिल्ली के नाम लिखा था कि दिल्ली वाले लोग आकर के यहाँ न्याय करें। आरोप उन्होंने लगाया है हत्या के में शामिल होने का, तो वो आए और यहाँ पर मेरे आरोप साबित करें कि मेरे ऊपर जो आरोप है उस हत्या में मैं शामिल हूँ। इसी वक्त मीडिया और जनता अदालत के सामने अपने मृत्यु तक राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। क्योंकि पिछले 25 वर्ष कभी पद के लिए कोई काम नहीं किया, केवल जनता में रहकर अपनी सेवाएं दी है। अगर पद के लिए काम करना होता तो बहुत मौके थे, पर आज केजरीवाल आरोप यदि यहां पर साबित आकर नहीं करते हैं तो मैं मांग करता हूं कि जिस ईमानदारी के सर्टिफिकेट उन्होंने अपने आप को दिए हैं उसी ईमानदारी के तहत, और जो दम की बात करते हैं कि बंदे में दम है, तो वह दम दिखाकर अपने मां के दूध की लाज बचाए और अपना इस्तीफा दे कि मुझसे गलती हुई है और एक ऐसे व्यक्ति पर मैंने मन भ्रंत आरोप लगाए हैं। कुछ डॉक्टरों से सलाह की जो उनको निगरानी करते हैं, उनसे भी पता चला स्वास्थ्य भी ठीक है। फिर मैंने सोशल मीडिया पे टैग करके उनको लिखा भी कि आपका इंतजार रहेगा, आओगे कब तुम केजरीवाल, मैना तेरे भ्रष्ट भरे। और इतना ही नहीं, मैंने कहा शायद पत्र ना पढ़ पाए तो होर्डिंग लगाकर भी बताया कि होर्डिंग ही पढ़ ले शायद। इतना ही नहीं, उनको तो कई सोशल मीडिया के नौजवानों ने रोड का मैप भी भेज दिया कि आपके घर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का रास्ता कैसे जाता है और कितनी देर में पहुंच सकते हैं। इंतजार रहेगा, हमने तय किया है के 4 बजे से लेकर शायद ट्रैफिक का बहाना दे तो थोड़ा इंतजार भी कर लेंगे। 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे तक हम इंतजार करेंगे, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। 5 बजे बजने के बाद शायद उनको ये व्यवस्था कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि आम आदमी कहकर बोले हैं, उनकी खास व्यवस्था के लिए यहां से उनके घर पे पूछ करेंगे। तू जहां मिलेगा वही बहस करूंगा, पर बहस करनी होगी या तो आरोप सिद्ध कर या इस्तीफा दे, ऐसे भागने नहीं देंगे। जब केजरीवाल आरोपों से भागते नजर आए तो महेश गिरी ने केजरीवाल के घर के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया, और अब इस अनशन में सुब्रमण्यम स्वामी का भी साथ मिल गया है। इस बीच गिरी की खुली बहस की चुनौती का कोई जवाब देने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने उन पर दोबारा आरोप लगाया और जांच की मांग की।
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने गिरी पर हत्या का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने बीजेपी सांसद महेश गिरी निगम के अफसर एमके खान की हत्या का आरोप लगाया था। उन्होंने उपराज्यपाल नजीब जंग को इस बारे में एक चिट्ठी भी लिखी थी, जबकि गिरी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी थी। और अब महेश गिरी की बहस से केजरीवाल भाग नहीं सकते और केजरीवाल की आदत जरूर महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार बिना किसी सबूत के उन्होंने दिल्ली के एक चुने हुए सांसद के ऊपर मर्डर जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।